अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे थे घर के काम सारे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर लें। तो अभी मैरा बना रही थी अपने लिए जूस और देखे पीछे पीछे हो रही है, कह रही है अभी मेरी हालत ठीक और ये जूस बनाया है उसने। और ये जूस किस चीज़ का बनाया है? मैंगो का, मैंगो टैंक ना, मैंगो टैंक। और लेवी पीने के लिए कह रही है मुझे दो, पहले इसको मिक्स तो करने दो, इसमें पानी भी ऐड होगा। उधर रखो आप, आपने हेलो हाय की, इधर आओ, इधर इधर खड़े हो के और अभी लेवी ये बनाएगी जूस। मिक्स करो इसको अच्छे तरीके से। वाह भाई वाह। अब ये मेरा देगी सबको। हाँ साफ कर लो हैं। और अभी हमारे घर में धुल रहे हैं कपड़े, सॉरी, और वो धो रही है निदा। और कपड़े काफ़ी हो गए थे, तो आपको जैसा कि पता है सर्दी इतनी नहीं है, अब दो दिन हो गए हैं सर्दी इतनी नहीं हो रही है और गर्मी है, तो इसलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े धुल रहे हैं। ये देखें अभी लगी हुई है मशीन और ये कपड़े धुल रहे हैं। और अभी मैं बनाऊंगी खाना साग, और खाना वाना भी बनाएंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये जूस और उसने सबसे बड़ा गिलास चुना है, कह रही है अम्मी मैं इसमें लूंगी। और लेवी कैसा है, मजा आ रहा है? यमी है, हैं? यमी लग रहा है मेरे बेटे को। हाँ ये मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है, अभी पीने लगी आती है। बहुत टेस्टी है मैंगो, वैसे ही मेरा फेवरेट है और मैंगो का है। हाँ क्या लेना है, वो भी कह रही है मुझे भी खिलाओ, वो दे क्या लेना है, क्या चाहिए क्या चाहिए। इधर दो पापड़, पापड़ खाई थी वो, तो सैली भी ना आई है कल, है ना? सैली को भी नहीं लाया, क्योंकि गर्म सर्दी बहुत कम है 3 दिन से कराची में, तो हमने सैली को भी नहीं ला दिया। खाने के लिए मांग रही है पापड़, क्योंकि ये मेरा और लेवी खा रहे हैं ना, तो ये कह रही है मुझे भी दो। ठीक है एवरीवन, अब मम्मी जो है वो करने लगी है स्पिनर। और अभी देखना ये दो मिनट में ना नहीं सूख जाएंगे, 10 मिनट में टाइमर है ना उसका। अच्छा हाँ, और सूख जाएंगे ये कपड़े। ये सारे कपड़े इसके अंदर डालूंगी, फिर उसके बाद इनको स्पिनर करूंगी। अभी ये रिजा मुझे दिए जा रही है बाल्टी में, मैं झुक इसलिए नहीं सकती क्योंकि मेरी कमर में पेन है और मैं खड़े खड़े काम कर सकती हूँ। मैंने बहुत से कपड़े धोए हैं ना, तो वो मेरी कमर जो है ना वो हड्डी दर्द होने लग गई है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। तो अभी ये कपड़े बस ये करके और साफ है पानी बस निकाल के दो मुझे जल्दी से, ये भी डाल बच के हो ये भी ले लगा के और कपड़े मैंने सारे अंदर डाल दिए। ये देखें बोतल दिखाओ, ये देखें अब इसको बंद करूँगी और शुरू हो गया। स्पिनर हो गए हैं, ये निकाल के निका को दूंगी, ये निका क्योंकि खंगाल रही है कपड़े, तो साफ कर दूंगी। तो अभी जा रहा है डोनाल्ड सब्जी लेने, क्योंकि साथ अब सब्जी रखेंगे, तो फिर मिलती हूँ आपसे सब्जी पकाते हैं।
किचन में मिलती हूँ आपसे। फिर उसके बाद सारी सफाई, कपड़े तो हमारे धुल चुके हैं, कपड़े हमारे स्पिन भी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक शख्स दिखाता हूँ जो कि गैस आने की सूरत पे, आज हमारी गैस आ रही थी दोपहर के टाइम, तो जल्दी जल्दी जो है ना सब्जी की तरफ हो गया। मैं खाना वाना ले आया, लेके आ गया। मैंने जल्दी जल्दी वो रीदा कपड़े धो रही थी तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर गैस चली गई तो फिर मुझे लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी गैस आ रही है, गैस अच्छी आ रही है, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी हमने रखा हुआ है ये लेवी के कटलेट्स बनाएंगे चिकन आलू वाले, और ये जो है सैली का खाना सबसे पहले बनेगा, और अम्मी हमारा बनेगा उसके बाद। हाँ अभी अम्मी ये देखे कैसे जल्दी जल्दी में जो है ना सब काम कर रही हूँ, तो जल्दी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्योंकि गैस आ रही है। फिर जिम नहीं बोलता मैं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, अब मैं क्या करूँ। और बैंगन ऐसे ले आया डोनल जैसे पूरी मार्केट उठा के ले आया, बैंगन को इतने शौक से खाता भी नहीं। हाँ आ जाओ, हाँ सब्जी बनाओ तो बना, मैं सिर्फ काटो, सिर्फ काटो दू गैस आ रही है अच्छी, फिर मौके का फायदा उठाओगे तू बनाने पिके पिके ने मिर्ची कम भी रखना। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में देखें हमने अपना शेफ़ भी चेंज कर दिया, मायरा को हमने किचन में बुला लिया। मायरा कह रही है मैं काटूंगी जल्दी और गैस आ रही है तो मैं जल्दी बना लूंगी, तो अम्मी को हमने नीचे बिठा दिया, किसी और आरे लगा दिया अम्मी को। मैं कोटे साफ कर रही हूँ, कोटे साफ करके फिर मैं जल्दी जल्दी से निकाला फिर इसके जल्दी बना लूँगी, और एक चूल्हे में चावल बना लेंगे। हाँ दुआ करें कि आज हमारी गैस ऐसे ही आएगी। तो अभी मैं जाऊँगा ये देखें अम्मी को, और मैं अभी जा रहा हूँ नीचे मोटर बंद करने क्योंकि पानी बंद हो गया है, तो मैं मोटर बंद करके आ जाऊँ तो फिर आपसे मिलते हैं कि इनकी जो किचन की काम है वो कहाँ तक पहुँचा है आपको दिखाते हैं आज। और दो दिन से हमने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अम्मी की जो है ना तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं थी, जैसे आपको पता है मौसम चेंज हुआ है, तो अम्मी की जो है ना दिन में गर्मी होती है शाम में थोड़ा ठंडा होता है, तो अम्मी को फीवर बहुत तेज़ था, तो इस टेंशन में और बैक बोन में जो है ना बहुत पेन हो रही थी अम्मी की, तो अम्मी जो है ना उठ नहीं थी पा रही सही तरीके से, तो इसलिए हमने दो दिन से जो है अपना व्लॉग नहीं बनाया। तो आज अम्मी थोड़ी बेहतर थी तो हमने कहा चले आए व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे काम। तो बस देखें पहले गैस हो गई थी हमारी बंद चली गई थी, अभी फिर आ गई है, हम फिर तेज़ी से बनाने लग गए हैं। मैंने मायरा को बोला था, मैंने कहा वो जला लेते हैं लकड़ी का चूल्हा, तो कह रही है नहीं अम्मी आ जाएगी वेट करो थोड़ा सा। अब वेट किया तो आ गई, वो चावल बना रही है, मैं साथ खाना बना रही हूँ, और जल्दी जल्दी स्पीड में लगे हुए हैं हम दोनों, बस जल्दी जल्दी बन जाए खाना। अभी पानी डालेंगे, मायरा मुझे गिलास दे वहाँ से, यमी यमी। अच्छा इसमें जो फनकारी है ना मसाले की वो मैंने की है। हाँ मेरा ने की है भाई फनकारी, मसाले की मेरी डोई मारने की फनकारी मेरी है, बाकी भूनने में अम्मी जो है साथ साथ जल्दी जल्दी भूनती जा रही है। और हमारा बस सब चावल बन रहे हैं, बस अभी से रख देंगे, अगर ये बंद ना हो, अगर बंद हो गया तो फिर मुझे लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। और ये मैं आटा भी दे रहा हूँ अम्मी को। क्या दे रहे आटा? अच्छा अभी खाना दूसरा बना नहीं, आटा पहले निकालते हैं, ये खाएगा रोटियाँ, और लैंडी का भी मेरी का तैयार हो गया खाना, करूँगी मैं क्योंकि पहले भी मैंने कटलेट्स बनाए थे उसके, तो उसने आपको देखा होगा वीडियो में उसने नहीं खाए, उसकी मम्मा बनाती है तो फिर वो खाती है। अब अम्मी कर रही है चिकन के रेशे आलुओं के अंदर, अभी अम्मी आलू मिक्स करेगी। हाँ ये करके तो फिर उसके बाद ये बनाएगी, बीच में काली मिर्चें डालनी है ना दीदा? काली मिर्च और नमक, काली मिर्च और नमक, क्योंकि मिर्ची वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, लेवी हमारी इतनी बड़ी हो गई है उसको गुस्सा भी करते हैं फिर भी नहीं खाती है वो, अभी सोच रहे हैं उसको कच्ची हरी मिर्च खिलाते हैं। हाँ किसी दिन, पर वो जान भी लेगी तेरी खिलाएगा। तो लेवी के कटलेट्स तो हो गए, टिक्कियां भी रेडी हो गई हैं उसकी, तो ये मैंने खुद बनाई है, ये देखिए। और ये देखे कितनी यम्मी लग रही है देखने में, उस दिन मैंने मटर डाले थे ना बीच में, इसलिए नहीं खाई वो, वैसे मटर खा लेती है। अब इस पे कॉर्नफ्लोर लगेगा।
कॉर्नफ्लावर लगेगा तो क्रिस्पी हो जाएंगी ये। पनी अभी हो रही है, अम्मी खाना भी बन जाएगा, राइस बनते तो फिर कर देना फ्राई। बस ये चावल अभी हो जाएंगे, गैस तेज हुई है। मैं कह रही हूँ बच्ची खा लेगी ना, जल्दी से खा लो खाना। गैस हो रही थी कम तो मैंने सालन उतार के रखा साइड पे, तो सबसे पहले रखे लेवी के कटलेट, मायरा वो थे ना चिमटा, ये रहा। इसको भी सेंटर में करूं तो अब इसके पलटा मारो ना इनका, अभी एक तरफ से ये समझ दम पे ही हो रहे हैं, जितनी गैस हो गई है दम पे ही हो रहे हैं। क्यों लो ना करूं? नहीं अभी नहीं करो, अभी नहीं करो, अभी वो नीचे से देखो वो गोल्डन ब्राउन होंगे ना। अच्छा फिर चेंज होंगे, तो हमारे कटलेट्स गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। तो मैं प्लेट लेके खड़ी हूँ और अम्मी प्लेट लेके खड़ी होगी, और गैस हमारी हमारे साथ ऐसे तमाशा कर रही है, कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज। पर शुक्र है खुदा का बन गया है हमारा खाना, हमारा वो सीन हो रहा है पाको पाको पाको। आज हम वो कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। मैरा ने चावल भी बना लिए, चावल अभी दम पे है, खाना अभी हमारा कच्चा है थोड़ा। मैंने कहा पहले लेवी का बनाओ फिर बाद में करना जो भी करना। हाँ तो हमारा खाना बन चुका है और हम खा चुके हैं, और गैस हमारी अच्छी आ रही थी आज अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने नहा भी लिया और सफाई भी हमारी हो गई, बिस्तर भी मेरे बिछ गए और लेवी और वो खेल रहे हैं सैली। तो आज की वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कल मिलूंगी आपसे अच्छी सी सुबह के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। कल तक दुआ में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।